आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 10:09 हो गए हैं बेटा। सबसे पहले कल का मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था और कई लोगों ने भेजे ही नहीं, ये क्या बात है? मैंने दिवेश ने नहीं भेजा मेरे को लग रहा है, और कार्तिकेय ने भी नहीं भेजा। कार्तिकेय और दिवेश दोनों ने नहीं भेजा। कार्तिकेय आवाज आ रही बेटा? कार्तिकेय आवाज आ रही है बेटा? सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। अच्छा, ये कार्तिकेय नहीं बोल रहे हैं। कार्तिकेय, दिवेश, इन्होंने बेटा क्वेश्चन नहीं करने की जिम्मेदारी ली है क्या कि मेरे को घर पे भी बात करनी पड़ेगी? दिवेश बेटा, कार्तिकेय क्लियर नहीं है बेटा। क्या आवाज क्लियर नहीं है? वैसे तो बेटा होमवर्क के नाम पे बहुत सारी आवाजें गायब हो जाती हैं। दिवेश आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ सर। हेलो आयुषी, आपका गुड मॉर्निंग किधर है बेटा? आयुषी आयुषी का गुड मॉर्निंग देख लीजिए। सब लोग बेटा बोलने के बाद गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बेटा ये अच्छे संस्कार हैं, और अच्छे संस्कारों की शुरुआत तो बेटा घर से ही होती है। और दिवेश बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं ये बेटा? दिव्यांजलि भी गुड मॉर्निंग पे आ गई हैं। दिवेश आपने होमवर्क नहीं किया? दिवेश, कार्तिकेय, मानव मानव नहीं आए क्या अभी तक? किया है सर होमवर्क, लेकिन किधर है बेटा? मेरे को तो आपने भेजा नहीं, किधर है बेटा? कार्तिकेय आपका बेटा किधर है होमवर्क? मेरे को पास तो नहीं भेजा आपने। सर आवाज नहीं आ रही है, इसके लिए बेटा हम क्या करें? एक सेकंड, देखो ये आवाज किसको किसको बेटा आवाज नहीं आ रही है? अब ये मेरे साइड से प्रॉब्लम है या आपके साइड से प्रॉब्लम है ये मेरे को नहीं मालूम। कार्तिकेय अभी सेंड कर देता हूँ सर। ये बेटा ये क्या बात हो गई? दिवेश आपको होमवर्क किधर है बेटा? दिवेश आवाज आ रही है? मैं मोबाइल ऑन कर रही हूँ, इससे पता लगे आवाज आ रही है। जल्दी से बेटा, मैंने एक सुबह और आपको रिक्वेस्ट भेजी है बेटा। मैंने आपको एक लिंक भेजी थी, उस पे बेटा कुछ कमेंट पास करने के लिए। कार्तिकेय तो कमेंट पास करने के लिए एकदम होशियार है। कार्तिकेय बेटा मैंने सुबह सुबह आपको एक लिंक भेजी है, सब बच्चों को कहा था और बोला था कि सब लोग उस पर कमेंट पास करें। क्या सबने कमेंट पास कर दिया? यश, कार्तिकेय, दिव्यानी, आयुषी? यस सर, कर दिया। कर दिया? बाकी सबने किया कि नहीं किया? स्वाति ने भी कर दिया है। जल्दी जल्दी लिखें किसने किसने कमेंट पास कर दिया। कार्तिकेय तो कमेंट पास करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन का पास किया कि नहीं मेरे को नहीं पता। चलिए बेटा, जिसने नहीं किया है जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तुरंत बेटा कमेंट पास करेंगे। मैंने लिंक भेजा है, यस कर दिया है, सौरव ने लिखा है कर दिया है।
चलिए बेटा आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर करने से पहले बेटा हम एक क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करेंगे, जिसको कि आप रिवीजन लेक्चर भी बोल सकते हैं और जो है बेटा एक हम क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस लिखने से पहले बेटा कोई डाउट है तो आप मेरे से तुरंत पूछ लेंगे, चाहे बेटा थ्रू चैट के पूछ लें या थ्रू बेटा वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऑन करके पूछ लें, या अगर किसी को डाउट है तो बेटा तुरंत पूछ लें। चलिए बेटा किसी का डाउट नहीं आ रहा है, मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करूंगा। कल मैंने आपके साथ में अगर डिस्कस किया जाए हाउस प्रॉपर्टी को, जल्दी जल्दी रिकैप किया रहे तो बेटा हमने हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करने के लिए तीन कंडीशंस थी। पहला क्या था बेटा? पहला था आपको बेटा एक तो बिल्डिंग होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी? ओनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद बेटा हमने अलग अलग केस लेकर गए थे, कोई लिखेगा नहीं, हमने केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर लिया था। जल्दी से बेटा हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और आगे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बेटा इलस्ट्रेशन लेंगे, आज का एक क्वेश्चन बेटा हमने लिखा, म्यूनिसिपल वैल्यू लिखा बेटा 10,000। एक्चुअल रेंट लिखा 70,000। अनरियलाइज्ड रेंट लिखा 3,000। कैलकुलेट जी ए बी। जल्दी से बेटा सब लोग हमें इसका आंसर, जल्दी जल्दी आंसर चैट पे लिखते जाएं, जल्दी से क्या आंसर आएगा बेटा इसका। काव्या 67,000 बेटा आपको कुछ 17 को 70 समझ लिया, ठीक है सर। ये 17,000 है बेटा। जल्दी से आंसर लिख के दें। मनाली का 14,000, यस टंडन का 14,000, काव्या का 14,000, आयुषी का 14,000, शिवानी का 14,000, स्वाति का 14,000, दिव्यांजलि का 14,000, मानव का बेटा 14,000, लगभग बेटा सभी का 14,000, देवेश का भी 14,000। शुभी का आंसर नहीं आया अभी तक। शुभी का आंसर नहीं आया। शुभी जुड़ी नहीं है क्या? शुभी नहीं है लग रहा। चलिए बेटा जल्दी से हम इसको कुछ समझाएंगे और फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट। हमने बेटा ये 14,000 निकाला, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है। शुभी की मेरे को आवाज नहीं आ रही है, मेरे को नहीं मालूम। चलिए बेटा जल्दी से हम बात कर लेते हैं बेटा। हमने इसमें क्या किया, म्यूनिसिपल वैल्यू बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं बेटा इसमें से कुछ चीज समझाऊंगा। ये हमने बेटा 10,000 हमने उसके बाद क्या किया, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट किया।
बेटा ये कितना आ गया, ये 17,000 में से 3,000 माइनस कर दिया और ये आ गया 14,000। और फिर हमने इसको और इसको कंपेयर किया जो दोनों में से ज्यादा हो, हमने कहा जीएवी कितना आ गया, हमने कहा जीएवी आ गया 14,000। बिल्कुल ठीक है बेटा, सभी के आंसर ठीक है, सभी परफेक्ट हैं। चलिए ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी काव्या टू बेटा, किसके में गड़बड़ होगी? अरे सर वो यश को आवाज नहीं आ रही है, मैंने कहा कि तुम फिर से करेक्ट करो, हो सकता है। काव्या? हाँ सर। ये शुभी नहीं जुड़ी हुई है क्या? नहीं अच्छा, सर, आ नहीं, आ गई हैं, आ गई, शुभी आ गई हैं। अच्छा हम रिकनेक्ट करें सर, आप रिकनेक्ट करें जल्दी से। चलिए ठीक है बेटा, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, मैं बेटा इसको बंद करके फिर से मैं रिकनेक्ट करता हूँ, और आप लोग बेटा सब लोग जो है वापस जो से जो रिज्वाइन करेंगे। हेलो सर, हेलो 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 सर, हेलो 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 सर, हेलो सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। अब आ रहा है मेरा आवाज? हेलो सर, सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? आपका बिल्कुल नहीं आ रहा वॉइस। हेलो सर, हेलो क्या हुआ? आ रहा हूँ। अच्छा, हेलो सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, आप एक बार रिकनेक्ट करिए, हो सकता है ग्लिच हो गया है कुछ। अच्छा ठीक। हेलो सर, सर मेरा वॉइस आ रहा है क्या? पता नहीं, तुम्हारा आवाज आ रही है, आ रही है। ठीक है कर लो ना एंड करके, बोलो फिर से रिकनेक्ट करो। फिर से बेटा रिकनेक्ट करो। चलिए बेटा आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। बेटा मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, जैसे बेटा लेक्चर खत्म होगा मैंने आज लिंक भेजा है, सब लोग उसको बेटा लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा, ये क्वेश्चन दिया है आपके आगे, म्यूनिसिपल वैल्यू 10,000, एक्चुअल रेंट 17,000, अनरियलाइज्ड रेंट 3,000, कैलकुलेट जीएवी। बेटा जीएवी आंसर सबने दिया 14,000। मैं बेटा कुछ बताने की बात करूंगा, म्यूनिसिपल वैल्यू और अनरियलाइज सॉरी एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस करने की बात मैंने कल कही थी, और जैसे ही माइनस करेंगे बेटा ये हमारा 14,000 आ जाएगा, और इन दोनों का हमने कल कंपेयर किया था और वही हमारा जीएवी आ जाएगा। लेकिन ये बेटा अनरियलाइज रेंट माइनस किया ना, आज हम इसके बारे में सोचे। बेटा मैं आपको जितना बता रहा हूं, अब विश्वास माने आपका जैसी सिलेबस खत्म होगा 90% से ज्यादा की बात करो, 90% से ज्यादा थ्योरी भी क्लियर होगी। हालांकि अभी हम कोई थ्योरी की बात नहीं कर रहे, थ्योरी का एक्सक्लूसिवली चैप्टर पहला वाला था जिसको कि इंट्रोडक्शन था। अब जैसे इसमें भी कुछ थ्योरी हो सकती है, लेकिन अभी हम आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरी भी कवर्ड है इतना मान के चलेंगे।
हर चैप्टर का, जैसे मैं कोई भी बात, मैं जब बेटा कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं कहूंगा ये थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी पढ़ लो, तब मैं टिक मार्क करूंगा और आप देखेंगे ये मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाते समय मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। चलिए बेटा ये अनरियलाइज्ड रेंट, एआर में से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब ये हो गया कि हमको जो किराया नहीं मिला, ये रेंट बेटा हमको नहीं मिला। जब हमको ये रेंट नहीं मिला तो एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज माइनस कर दिया। बेटा अनरियलाइज माइनस किया ना, इसके बेटा ये जो माइनस किया, ये माइनस करने के लिए बेटा इसका क्या है ना, रूल फोर आता है। ये क्या आता है बेटा, रूल फोर है। ये रूल फोर की वजह से अनरियलाइज रेंट को माइनस किया। अब ये अनरियलाइज रेंट को माइनस किया रूल फोर, लेकिन ये रूल फोर है क्या? खाली मैं बेटा अभी जितना शॉर्टकट में लिखूंगा आप उतना ही लिखेंगे, जब सबके पास बुक आ जाएगी मैं बुक से टिक मार्क जरूर कराऊंगा। रूल फोर बेटा क्या है, सबसे पहला इसने बेटा रूल फोर की बेटा चार कंडीशंस है अनरियलाइज रेंट के लिए। तो बेटा वो चारों रूल फोर की तभी माइनस करेंगे जब रूल फोर की कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। अब यहाँ बेटा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अब ए आर माइनस यू आर तभी माइनस करेंगे जब रूल फोर की कंडीशंस फुलफिल होंगी। अगर बेटा ये फुलफिल नहीं होगी तो माइनस नहीं करेंगे। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि ये मैंने क्वेश्चन दिया था, ये रूल फोर की कंडीशंस को इसने फुलफिल किया कि नहीं किया? अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम क्वेश्चंस में कहते हैं बेटा फुलफिल किया तब आप माइनस करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो भी आप यही मानकर चलेंगे कि रूल हमारे ये कंडीशंस हमारी फुलफिल कर रहा है और हम इसको माइनस करेंगे। अगर क्वेश्चन ने क्लियर कट ये लिख दिया कंडीशन ऑफ रूल फोर नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये उसने क्लियर कट लिख दिया तो हम माइनस नहीं करेंगे, तो हम बेटा ये काम नहीं करेंगे जो कि मैंने आपको बताया है, तब ए आर माइनस यू आर ये काम नहीं करेंगे क्योंकि उसने लिख दिया है कंडीशन ऑफ रूल फोर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये माइनस नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्लियर कट लिख रहा है तब तो हम माइनस करेंगे, और अगर उसने लिख दिया नॉट सेटिस्फाइड तो माइनस नहीं करेंगे और क्वेश्चन को एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, जल्दी से आप लोग मेरे को करके दिखा। एक इलस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू बेटा दिया है 10,000, फेयर रेंट दिया है 12,000, एक्चुअल रेंट दिया है 14,000, अनरियलाइज रेंट दिया है, लेकिन यहां इसने लिख दिया कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ये इसने यहां लिख दिया है। ये बेटा दिया है 4,000 रुपया पॉइंट जीएवी। जल्दी से मेरे को सब लोग आंसर लिख के दिखाएं। स्वाति 14,000, क्या बात है, लिखते माने बंदूक से गोली चालू। चलिए बेटा स्वाति का, सौरव का 14, मनाली का 14, काव्या का 14, और जल्दी जल्दी आंसर देते जाए, जल्दी जल्दी। आयुषी का 14,000, और आंसर। शिवानी का 14, यश टंडन का 14, कार्तिक दिवेश मानव, यश केसरवानी का 14, दिवेश का 14, श्रुति का नहीं आया अभी तक,
चलिए बेटा, सब लोग आंसर नहीं देते, ये भी मेरे को बड़ा दुख है बेटा। जल्दी से सब लोग आंसर एक सुर में नहीं देते हैं, या तो घर वाले डिस्टर्ब करते रहते हैं, मेरे को घर वालों से बात कराइए। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, आंसर हमने कैसे दिया बेटा देखते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू 10,000, बेटा पहले इन दोनों को कंपेयर किया, हमने कहा इन दोनों में से जो हायर होगा। इसमें बेटा अगर हम बात करेंगे ए आर माइनस यू आर, लेकिन बेटा ये माइनस नहीं करेंगे, ये इसके लिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो बेटा ए आर हमारा कितना आ गया, ए आर हमारा ये 14 का 14 ही रहेगा। अब बेटा कंपेयर करेंगे, इसमें से जो हायर होगा ये 12,000 हो गया। अब इन दोनों का कंपेयर कर दिया, जो दोनों में से हायर होगा तो व्हाट इज द आंसर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा 14,000, दिस इज माय आंसर, यही हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे बेटा कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम बार बार ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो ये बेटा कंडीशंस है क्या, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन ऑफ रूल 4, ये बेटा कंडीशन है, ये रूल 4 करके है, ऐसा नहीं है, रूल 4 है। तो बेटा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं जो कि बेटा सारांश में है, मैंने कहा टेनेंसी, टेनेंसी बोनाफाइड, दूसरा बेटा मैंने लिखा, अब बेटा जब ये किराया नहीं दे रहे हैं तो इनका नाम बदल जाएगा, ये बेटा हो जाएंगे डिफॉल्टिंग टेनेंट, इनका नाम हो जाएगा डिफॉल्टिंग टेनेंट, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वकेटेड द फ्लैट, बेटा किराया नहीं दे रहा तो मकान उसने खाली कर दिया हो। तीसरी कंडीशन है टेनेंट, टेनेंट हैज नॉट ऑक्यूपाइड, टेनेंट हैज नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर फ्लैट। चौथा बेटा एक कंडीशन और लिखेंगे कि बेटा क्या लिखेंगे, SST टेकन ऑल रीजनेबल एंड नेसेसरी स्टेप्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग टेनेंट, ये बेटा लिख दें। इसका मतलब अगर हम बात करें बेटा, ये चार कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही ये माइनस करेंगे, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा थ्योरी के लिए भी लिख दें, कि ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रूल 4 एक्सप्लेन, 5 नंबर के लिए थ्योरी के लिए भी है। पहला मैंने बोला टेनेंसी बोनाफाइड, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो किरायादार है ये वास्तव में होना चाहिए, ऐसा नहीं किया खाली दिखाने के लिए, ये मानो हमारे किरायेदार हैं लेकिन किरायेदार है नहीं, किरायेदार वास्तविक में होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बेटा 2 और 2 5 करने में बड़े माहिर रहते हैं। तो बेटा ये क्या लिख रहा है, टेनेंसी बोनाफाइड, ये बोनाफाइड होनी चाहिए, वास्तविक में होना चाहिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वकेटेड दी फ्लैट, माने जो किरायेदार बेईमान है, डिफॉल्टिंग टेनेंट का मतलब हो गया बेईमान किरायेदार ने मकान को खाली कर दिया हो। तीसरा टेनेंट हैज नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर फ्लैट, माने उसने ऐसा ना हो कि मकान जो ओनर है
उसको किसी दूसरे मकान को भी कब्जा करके रखा, उसने कोई भी मकान नहीं लिया है। और चौथा है SSC माने जो ओनर है, उसने सारे उस डिफॉल्टिंग टेनेंट के अगेंस्ट में सारे जो लीगल स्टेप है, नेसेसरी का मतलब है लीगल स्टेप, मारा पीटी ना हो कि 2-4-10 बदमाश को ले जाएं और कहें मेरा पैसा दो, तो बेटा लीगल एंड नेसेसरी SSC टेकन ऑल रीजनेबल एंड नेसेसरी स्टेप अगेंस्ट डिफॉल्टिंग टेनेंट। बेटा ये आपका 7, बाकी हम बुक से करेंगे बेटा, डिटेल में लिखना हो तो हम बुक से टिक कराते, अभी के लिए तो आप इतना ही याद कर ले। यस बेटा ये हो गया हमारा, आगे अब हम बेटा एक और लेके चलेंगे। केस 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे केस नंबर 5। बेटा हम पहले क्वेश्चंस लिखेंगे फिर समझाएंगे, जल्दी से लिखते हैं फिर आप हमको करके दिखाएंगे। म्युनिसिपल वैल्यू है बेटा 12,000, फेयर रेंट है 15,000, स्टैंडर्ड रेंट है 14,000, एक्चुअल रेंट है। अब इसमें बेटा क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में दिया हुआ ये डिपेंड, हमें खाली रूल जानना है बेटा। एक्चुअल रेंट दिया है 20,000, अनरियलाइज्ड रेंट दिया है बेटा इसको लिख ले 4,000। यहां एक नई चीज आ गई बेटा, नई चीज क्या आ गई जल्दी से हम बात करते हैं। वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से हमारा बेटा कितने का नुकसान हो गया 3,000, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया हम बात करेंगे बेटा। वैकेंसी का मतलब अगर सीधी अगर डिक्शनरी मीनिंग अगर हम निकालें तो वैकेंसी का मतलब है कि मकान हमारा खाली हो, खाली पड़ा रहा। खाली क्यों था, क्योंकि हमको अच्छा किराएदार नहीं मिला। उस दिन कार्तिकेय कह रहे थे कि मेरा 3 महीने से मकान खाली पड़ा है। मैंने कहा बेटा क्यों खाली पड़ा, बोले क्या बताएं सर आजकल किराएदार इतने दुष्ट है ना, ये मकान तो ले लेंगे सब अच्छी अच्छी बात करेंगे लेकिन किराया नहीं देंगे, बेईमान आदमी है। तो हमारे जब तक मेरे स्वभाव के साथ में तालमेल नहीं मिलेगा तब तक हमारा 3 महीना 4 महीना 6 महीना 10 महीना खाली रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसी किराएदार को देंगे जो अच्छा होगा, जो सुबह 9 बजे से पहले घर नहीं निकलेगा, 7 बजे घर में आ जाएगा, बिजली नहीं जलाएगा, पानी इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, जितना कम करेगा वो अगर एक आध बाल्टी में काम बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, हम इस तरह से किराएदार को देंगे। वरना हमारा 10-12 महीने खाली रहे तो ये तो बेटा मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे कहने का क्या मतलब है एक अच्छे किराएदार के बाद ही हम बेटा दोनों के साथ में, किराएदार भी देखता है कि हमें अच्छा मकान मालिक मिले और मकान मालिक भी देखता है कि हमें अच्छा किराएदार मिले। क्योंकि आपने जिनके मकान किराए पे है आपने देखा होगा अगर कोई कोई डिफेक्टिव किराएदार मिल गया तो बेटा बड़ी दिक्कतें होती, सरदर्दी का काम है। तो हमने बेटा मकान खाली था, मकान खाली मैंने पिछले साल, साल भर की हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर में, हमारा मकान बेटा वैकेंसी की वजह से 3,000 रुपये का हमको नुकसान हो गया, हमारा 3,000 रुपये का वैकेंसी का। अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया है तो बेटा हमें अल्टीमेट निकालना क्या है, फिर GAV बेटा हम कैसे करेंगे देखेंगे। पहले बेटा इन दोनों का कंपेयर करेंगे, पहला जैसे हमने केस नंबर 1 में लिया था इसको बेटा हम बाहर निकालेंगे, ये आ गया 15,000। इसकी तुलना इससे करेंगे बिल्कुल बेटा मैं बुक से अलग हटके पढ़ा रहा हूं, इसमें हमको मालूम है विच एवर इज लोअर ये कितना आ जाएगा 14,000 बेटा। ये हमको मालूम है क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है
इसका मतलब ये हो गया 16,000। इसकी और इसकी तुलना कर ये बेटा विच एवर इज हायर, ये हमारा हायर क्या निकल के आएगा 16,000। अभी भी बेटा वैकेंसी बाकी है एडजस्ट करना। ये बेटा ये जो 16,000 आया ना इसको हम बाहर निकाल देंगे और इसका हम नाम देंगे ईआर या आरआर, ये एक नया नाम। ईआर का मतलब है बेटा एक्सपेक्टेड रेंट, ये हम सिचुएशन को देखकर बेटा ये वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी बुक में ईआर दे देता है तो हम आरआर यूज करेंगे, आरआर दे दिया तो ईआर है, मतलब दोनों का मतलब एक है। जैसा बेटा हमें जरूरत पड़ेगी वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। आरआर का मतलब है रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट, तो बेटा हम आगे बात करते हैं। जल्दी से बेटा हम बात करें ईआर एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट, ये कितना आ गया बेटा अगर हम बात करेंगे तो ये आ गया 16,000। वैकेंसी अभी भी निकलना बाकी है, तब हम बेटा यहां पर आके लेस वैकेंसी करेंगे। अब वैकेंसी माइनस करेंगे 3,000, हमारे जीएवी कितना आ जाएगा बेटा, जीएवी आ जाएगा 13,000। दिस इज माय आंसर, यही बेटा आंसर। मैं बेटा एक और इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा फिर आप करेंगे। मैंने कहा बेटा म्युनिसिपल वैल्यू दिए हैं, मान लीजिए बेटा 15,000 रुपया म्युनिसिपल, ये बेटा एक्चुअल रेंट हमारा 16,000 है। अनरियलाइज्ड रेंट भी दिया है बेटा, ये 2,000 रुपया दिया है और वैकेंसी भी दिया है, ये वैकेंसी है बेटा, वैकेंसी भी दिया है, मान लीजिए 1,000 रुपया वैकेंसी। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट जी ए तो बेटा मकान खाली रहने की वजह से हमको नुकसान हो गया 1,000 का। हम करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटा, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, कितना आ गया 16,000 आ गया, नहीं गलती हो गई बेटा, गलती हो गई, गलती हो गई। इसको कैसे करेंगे बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू 15,000 है, ए आर माइनस यू आर करेंगे बेटा ये 14,000। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, वैकेंसी को नहीं छुएंगे, ये बेटा हम अभी बता रहे हैं ये 14,000, ये हम एक दो मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वैकेंसी के केस में मेथड नंबर 1, आप चाहे लिख लें, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, एक ये तरीका है आप ऐसा लिख लें। अभी हम जो भी तरीका बता रहे हैं ये मेथड नंबर, हम दो मेथड से बताएंगे, अभी हम पहले मेथड नंबर 1 लेके चल रहे हैं। तो ए आर में से यू आर माइनस कर दिया 14,000, तो हमारा बेटा क्या चीज निकल के आएगी, हमने कहा हमारा बेटा या तो रीजनेबल रेंट निकल के आएगा, इसका नाम देंगे, और या ई आर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा विच एवर इज हायर। हायर क्या हो गया बेटा, ये बिल्कुल वैसे किया 15,000। वैकेंसी को अभी हमने हाथ नहीं लगाया, ये अभी भी बाकी है ट्रीटमेंट के लिए, इसके बाद हम लेस वैकेंसी करेंगे। कितना वैकेंसी है, 1,000 रुपया वैकेंसी माइनस करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा
यही हमारा जीएमवी आ जाएगा, दिस इज द चार्ज। जल्दी से बेटा अब आप हमें क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप हमें करके दिखाएंगे। लिखेंगे एक इलस्ट्रेशन बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू है 20,000, एक्चुअल रेंट है ये बेटा 28,000, यूआर है बेटा ये यूआर है 10,000, यहां नीचे लिखा है कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, वैकेंसी दिया है बेटा 2,000 रुपया, कैलकुलेट जीएवी जल्दी से अब हमें निकाल के दिखना है, जीएवी बेटा निकाल के दिखना है जल्दी से। काव्या का 25,000, स्वाति का 26,000, आयुषी का 26,000, गलत आ रहे हैं बेटा सबके 26,000, शिवानी का 26,000, सारिका का 26,000, दिवेश का 26,000, स्वाति बेटा आपने कितना दिया है, स्वाति की तरफ मैं हूं वैसे तो, स्वाति बेटा आपका कितना है, दिव्यांजलि का 26,000, स्वाति आपका भी 26 ही आ रहा है क्या? यस सर। 25 किसने दिया था सर? 25 नहीं दिया, वो काव्या ने भी 26 दिया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा सर। अच्छा अच्छा, काव्या का देखिए 18,000 आ रहा है बेटा, हाँ दूसरी बार दिया आंसर। चलिए ठीक है, मेरा बेटा मैं पहले अपना आंसर लिखता हूँ, मेरा आंसर पीयूष का और काव्या का, ये दोनों का आंसर बेटा 18,000। और बाकी जितनी टीम है 14 लोग हैं, पता नहीं क्यों कभी 15 आते हैं कभी 16 दिखते हैं। अरे नहीं नहीं सर, सही सही दिया था पहले। पहले कितना दिया था आपने? हैं कंडीशन एक मिनट। और यहाँ बेटा बाकी सर घुमाते हैं हम लोग को, हम लोग सही हैं। ये बाकी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड में क्या करना होता है? हाँ ये देखिए, यस यस देखिए यहाँ क्लियर कर लिखा है कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। काव्या जल्दी निकालें आंसर। ठीक है सर, फिर वही 26,000 ही होगा बेटा मेरा। 26,000 अब मेरी टीम से जा रही है क्या? हाँ सर, क्या करें, ये तो आप बीच में छोड़ के जा रही हैं बेटा, अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं बेटा अकेले 18,000 पे हूँ, काव्या भी इसी टीम पे आ गए, सब लोग गलत हैं। जल्दी से हम एक बार देखते हैं बेटा कौन गलत है कौन सही है, देखते हैं। यहाँ बेटा म्युनिसिपल वैल्यू दी है 20,000, म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 दी है, उसके बाद बेटा एआर में से यूआर माइनस, ए आर माइनस यू आर बट यहां लिखा कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, इसमें मतलब कि ये
नहीं करेंगे बेटा। ये कितना ले लेंगे 28। इन दोनों का कंपेयर किया, कंपेयर किया तो बेटा ईआर या क्या है आरआर, ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 28, क्योंकि इन दोनों में से जो हायर। बेटा वैकेंसी इसमें से माइनस करेंगे बेटा, ये 2000 माइनस करेंगे, अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 26000। बेटा हमारा आंसर बिल्कुल गलत है बेटा, कभी कभी मैं गलत हो जाता हूँ, जानबूझ के नहीं होता हूँ, गलती हो जाती है बेटा। देखिए गलती इंसानों से ही होती है बेटा, मेरा आंसर भी 26000 और पूरी टीम का आंसर 26000, दोनों ही लोग अब सही हो गए। चलिए बेटा यहां तक हमने सीख लिया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बेटा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे को करके दिखाएं फिर हम आगे बढ़ें। यस बेटा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फेयर रेंट दिया बेटा 20,000, एक्चुअल रेंट दिया है बेटा 2000 पर मंथ दिया है, वैकेंसी बेटा दिया है 1 मंथ दिया है, कैलकुलेट जी बस बेटा यही निकाल के दिखाना है बस बेटा, क्वेश्चन पूरा हो गया, जल्दी से हमें निकाल के दिखाना है। सर वैकेंसी कितना दिया है? 1 महीना, 1 महीना मकान खाली था बेटा। मनाली 22,000, सौरभ 22,000, बेटा जीएवी निकालना है, सौरव गलत लग रहा है, मना स्वाति का 18,000, देखते हैं शिवानी का भी 22,000, आयुषी का 22,000, सारिका का 22,000, मानव का 22,000, सर वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी 22। अब आपका कितना था? आपका 22? हाँ सर वो बेटा पहले ठीक था बेटा। नहीं नहीं सर वो गलत था, अभी सही है। अच्छा आपको पता गलत था? यस सर कैलकुलेशन, कई बार बच्चों को पता रहता है कि हम गलत हैं। काव्या का भी 22,000, आज श्रुति कभी आ रही हैं जा रही हैं, हमें लग रहा फिर हट गई, क्या लगता पता नहीं। सबने बेटा 22,000 के आंसर दिए हैं, 24। चलिए बेटा देखते हैं क्या आंसर है बेटा, 22,000 सबके आंसर है, सबके आंसर 22,000 है, देखते हैं बेटा। फेयर रेंट है 20,000 और एक्चुअल रेंट बेटा कितना आ गया, अगर हम बात करेंगे 2000 × 12 ये आ गया 24,000। वैकेंसी को बेटा भी हाथ नहीं लगाएंगे, वैकेंसी को हाथ नहीं लगाएंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। हमने कहा इन दोनों का कंपेयर किया बेटा, ईआर
या आ रहा, कितना आ गया बेटा 24,000, विच एवर इज हायर। उसके बाद बेटा लेस वैकेंसी, एक महीना मकान खाली था और एक महीने का किराया कितना था, 2,000 रुपया एक महीने का किराया था। आंसर कितना आ गया, 22,000 रुपया। ये तो सब लोग परफेक्ट हो गए, जीएवी निकालने के लिए तो सब उस्ताद हो गए। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। अगर बेटा अगर आप स्टार्टिंग का फॉर्मूला देखेंगे तो बेटा फॉर्मूला हमने क्या दिया था, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिखा था शुरुआत में, जो लिखा था जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स, इसको बेटा माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है एन एवी, या इसको बेटा हमने एवी का नाम भी दिया था। आप पुराना देखेंगे तो मैंने ये लिख के दिया था बेटा। तो बेटा क्या हो गया, जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी या एवी, ये हमने स्टार्टिंग में दिया था। तो बेटा हमें म्युनिसिपल टैक्स को अल्टीमेट क्या करना है, हमें म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करना। तो बेटा जब म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करना है तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के लिए कुछ कंडीशंस है, तो बेटा नोट डाउन करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। इसका पूरा नाम है म्युनिसिपल टैक्स। बेटा म्युनिसिपल टैक्स बेटा कई लोग लोकल टैक्स भी बोलते हैं, कई लोग बेटा इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कई लोग हाउस टैक्स भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्स मतलब कि जो नगर महापालिका आपके मकान पर चार्ज करती है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स। चलिए बेटा म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज डिडक्टेबल। ये बेटा डिडक्टेबल है, ये माइनस करेंगे बेटा, ये क्या माइनस करेंगे, पहला इट इज डिडक्टेबल इफ, ये तभी डिडक्टेबल होगा अगर फर्स्ट क्या होगा, इफ इट इज पेड बाय ओनर, और सेकंड कंडीशन बेटा एक और है, इट इज पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर हम पढ़ चुके हैं, और हम प्रीवियस ईयर बेटा कौन सा पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, हम बेटा आपके लिए 19-20 बेटा जैसे जैसे नियम चेंज हो जाते हैं, अगर ये प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा, हो सकता है पिछले साल कुछ और नियम होगा, अगले साल कुछ और नियम आ जाएगा, तो बेटा ये इसीलिए प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान देंगे कि प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 का नियम चला गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बेटा, ये दो कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन क्या अगर हम बात करेंगे इसको, अगर बेटा हम छुपा दें अगर ये, तो दो कंडीशन है बेटा, पहला इट इज अ पेड बाई ओनर एंड इट इज पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है बेटा, प्रीवियस ईयर है हमारा 19-20। बेटा हम एक क्वेश्चन को लेकर आएंगे फिर समझाएंगे फिर आप करेंगे बेटा, एक इलस्ट्रेशन पर। बेटा इलस्ट्रेशन क्या है जल्दी से हम बात करते हैं, फेयर रेंट 10,000, स्टैंडर्ड रेंट
12,000 बेटा जल्दी से हम बात करें एक्चुअल रेंट चलिए बेटा हम लिख लेते हैं 5,000 rupees पर मंथ। अनरियलाइज्ड रेंट है 2 months बेटा ये म्युनिसिपल टैक्स भी आ गया म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बेटा ये 10,000 आ गया। इधर आगे ब्रैकेट में लिखा है 50% पेड बाय टेनेंट फेयर रेंट दिया है बेटा 10,000 स्टैंडर्ड रेंट दिया 12,000 एक्चुअल रेंट दिया है 5,000 पर मंथ अनरियलाइज्ड रेंट दिया है 2 महीने का म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 10,000 आगे ब्रैकेट में लिखा 50% पेड बाय टेनेंट पॉइंट एन ए बी माने नेट एनुअल वैल्यू हमको निकालनी है बेटा ये हम कैसे करेंगे जल्दी से अगर हम बात करें हम कंपेयर करेंगे बेटा फिर वैसे ही करेंगे इन दोनों को कंपेयर किया विच एवर इज लोअर बेटा लोअर कितना निकल के आ गया 10,000 रुपया लोअर निकल के आ गया एक्चुअल रेंट बेटा 5,000 रुपया है इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक कर लें बेटा ये 12 महीने का 60,000 रुपया हो गया ये 12 महीने का 60,000 हो गया और 2 महीने का अनरियलाइज रेंट है तो 2 महीने का बेटा माइनस कर दिया 10,000 रुपया ये माइनस कर दिया अल्टीमेट कितना आ गया ये बेटा 50,000 आ गया इसका इसकी बेटा कंपेयर किया ये बेटा हमारा बेटा क्या आ गया जीएवी आ गया हमारा जीएवी कितना आ गया जीएवी आ गया 50,000 बेटा जीएवी आ गया लेस म्युनिसिपल चलिए मैं इधर साफ साफ लिखता हूं फिर से बेटा मैं इधर लिखता हूं बेटा हमने कंपेयर किया जीएवी आ गया हमारा 50,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स कंडीशंस देखेंगे बेटा जहां आपने कॉपी में लिखा है दोनों कंडीशन को एक साथ देखेंगे पेड बाय ओनर और पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तो बेटा हमने प्रीवियस ईयर अपने आप से पूछे प्रीवियस ईयर में कितना दिया है हमने कहा प्रीवियस ईयर में हमने 10,000 रुपया दिया है हमने कहा म्युनिसिपल टैक्स हमने बेटा ये 10,000 रुपया दिया हमने कहा हमने तो प्रीवियस ईयर में 10,000 दिया है सेकंड भी बोल रहा है पेड बाय ओनर और ओनर ने कितना दिया 50% तो टेनेंट ने दिया मैंने किरायेदार ओनर ने कितना दिया है ओनर ने दिया 50% मैंने 5,000 हमारा बेटा जीएवी कितना नहीं सॉरी एनएवी इसको बेटा एवी भी बोलते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ इसको एवी भी बोलते हैं और एनएवी भी बोलते हैं ये कितना आ गया ये 45 दिस इज माय आंसर यही बेटा आंसर आ गया किसी को डाउट है बेटा तुरंत बोले काव्य 20,000 पेड 20,000 नॉट पेड 20,000 पेड 20,000 नॉट पेड गलत है ये मैं नहीं समझा क्या काव्या ने लिखा काव्या बेटा क्या लिखा आपने मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको काव्या इसी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि पुराने वाले की बात कर रही बेटा काव्या जरा लाइन पे आए बेटा अनम्यूट करके
हाँ सर। ये क्या लिखा बेटा, आप क्या लिख रही हैं? आप लिख रहे हैं, हमको खुद नहीं पता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें खुद ही नहीं। सर वो अरे बेटा ट्राई कर रहे थे सर, तो सर वो ट्राई कर रहे थे तो कर लो। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। ये वाला जो बेटा मैंने समझाया, पहले अच्छे से समझ लें फिर खूब ट्राई करें। ये समझ गई बेटा? हाँ सर समझ गई। जल्दी से जल्दी से बेटा हम बात करेंगे। हम अब आपको एक क्वेश्चन देंगे, अब आप करेंगे, आप हमें करके दिखाएंगे। अच्छा दूसरा बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, हमने बेटा जो वैकेंसी बताई है ना, इसके बेटा दो मेथड है बेटा। ये मैंने आपको मेथड नंबर वन बताया, मेथड नंबर टू हो सकता है कि मैं बेटा ठीक समझूंगा तो आगे बताऊंगा, नहीं तो मेथड वन को ही लेके चलेंगे। किसी किसी को मेथड वन आसान लगता है, किसी किसी को मेथड टू आसान लगता है। तो दो हमने डिस्कस नहीं किया, पहले मेथड वन को ही हम अडॉप्ट लेकर करेंगे। जल्दी से बेटा अब हम लेके चलेंगे एक और इलस्ट्रेशन, ये आप हमें करके। जल्दी से बेटा हम बात करेंगे फिर से। एक्चुअल रेंट दिया बेटा 10,000 पर मंथ, वैकेंसी दिए है 1 मंथ, म्युनिसिपल टैक्स दिया बेटा, म्युनिसिपल टैक्स ये लिखा है 10,000। यहां आगे नीचे बेटा लिखा है नॉट पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बेटा ये लिखो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये लिखा हुआ है। कैलकुलेट एन ए वी या ए वी, जल्दी से हमें बेटा सब लोग करके दिखा, सब लोग जल्दी जल्दी करें।
11,000 सारिका, दिवेश का 11,000, दिव्यांजलि का 11,000, या स्टंडन का 11,000, आयुषी का 11,000 और बाकी सबके कितने आ रहे हैं? 110,000। अच्छा 110,000 है। हाँ 110,000। जल्दी से देखते हैं बेटा ये कैसे किया आपने, मेरे को ठीक लग रहा है बेटा। जल्दी से देखते हैं, एकदम सिंपल है। अगर हम बात करें बेटा, AR 10,000 है, बेटा ये टोटल कितना आ गया? ये आ गया 120,000। इसमें से बेटा हम उसके बाद ये जो भी निकल गया, क्योंकि और कुछ कंपेयर करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो बेटा इसको एक हम नाम देंगे RR या ER। ये कितना आ गया? 120,000 ये आ गया, लेस वैकेंसी माइनस करेंगे बेटा, वैकेंसी एक महीने की वैकेंसी या 10,000 रुपया माइनस कर देंगे, तो बेटा जीएवी हमारा कितना आ जाएगा? 110,000 जीएवी आ जाएगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स बेटा माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं। हमारी दो कंडीशन है, दो कंडीशन हमारी क्या आ रही हैं? दो कंडीशन हैं कि पहला पेड बाय ओनर और पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो हमने बेटा प्रीवियस ईयर में तो पेड ही नहीं किया, पेड नहीं किया तो ये बेटा नेल आ गया, तो हमारा कितना आ गया? 110,000। दिस इज माई AV, this is my answer। सबके आंसर ठीक हैं। मैं बेटा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। चलिए बेटा, शुभि का थोड़ा सा आज नेट का कनेक्शन है, शुभि का फोन आया था, जुड़ी कि नहीं जुड़ी अभी जो है? यस सर। शुभि बेटा आप जुड़ गई हैं? यस सर। आवाज अब क्लियर आ रही है आपको? यस सर, यस सर। लेकिन आप दिखा नहीं रही मेरे को, कहाँ पे इसमें ऐड नहीं दिख रही है आप मेरे को? सर ऐड है। अच्छा ऐड है, चलिए ठीक है, मेरे को इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन क्या पता, चलिए ठीक है। चलिए बेटा मैं फिर जल्दी जल्दी से बात करूंगा, आप मेरी समझ में आ गई होगी कि शुरू भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है बेटा। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स मैं बेटा जीएवी आप वैकेंसी वाला बेटा आप रिकॉर्डिंग का लेक्चर सुन लीजिएगा, लेकिन आज म्युनिसिपल टैक्स वाला ठीक से सुन लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स के लिए मैंने बेटा आपसे क्या बोला? म्युनिसिपल टैक्स को बेटा माइनस करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, ये डिडक्टेबल होगा, ये डिडक्टेबल है, ये डिडक्टेबल है। इफ पहला क्या है, पेड बाय ओनर, ये ओनर ने दिया हो, और सेकंड कंडीशन क्या है, पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। बस बेटा ये दो ही कंडीशंस हैं।
अब हम बेटा जल्दी से एक क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं, सब लोग मेरे को करके दिखाएंगे। जल्दी से बेटा एक और इलस्ट्रेशन लेके आना। फेयर रेंट दिया है, चलिए बेटा फेयर रेंट है 1,00,000 रुपया, एक्चुअल रेंट है 1,20,000 रुपया, अनरियलाइज रेंट है 10,000 बेटा, यहाँ नीचे कुछ नहीं, चलिए अनरियलाइज रेंट है 10,000 रुपीज। फिर बेटा म्यूनिसिपल टैक्स पेड, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा म्यूनिसिपल टैक्स पेड यहाँ पे बेटा एक 18-19 का एक म्यूनिसिपल टैक्स बाकी था, यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स पेड है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, लेकिन ये 18-19 बेटा मैं जो पूरा क्वेश्चन बेटा समझने की कोशिश करेंगे, 18-19 का 5,000 रुपया था, 19-20 का बेटा ये 4,000 रुपया था, 20-21 का 2,000 था, कैलकुलेट कैलकुलेट एवी इन प्रीवियस ईयर 1920। ये बेटा हमें सब लोग करके दिखाएं जल्दी से, 19-20 का हमें एवी निकाल के दिखाएं। ये है क्वेश्चन बेटा आपके आगे, सब लोग करके दिखाएं बेटा। बेटा कितना आंसर दे रहे हैं सब लोग, सारिका ने 1,04,000 का आंसर दिया है, मैं लिख लेता हूं बेटा, सारिका ने 1,04,000 दिया है, शिवानी ने बेटा 1,06,000 दिया है, आयुषी का भी 1,06,000 है, स्वाति का भी 1,06,000 है, शुभी बेटा जल्दी से आंसर बताएं। दिव्यांजलि का, दिव्यानी का भी 1,06,000 है, शुभी का भी 1,06,000 है, सारिका ने तो हमको बीच में छोड़ दिया, हम तो बेटा सारिका पे पूरा भरोसा किया था, मानव सिंह का भी 1,06,000 है, सारिका 1,04,000 से निकल गई हैं, सारिका भी 1,06 हैं। आगे जल्दी यश का, यश टंडन का भी 1,06,000 है, जल्दी से बेटा मैं चलिए यहीं पे सॉल्व करता हूं समझाता हूं। सब लोग देखेंगे बेटा फेयर रेंट, पहले तो बेटा इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ये हमें मालूम है, तो बेटा हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे एआर, ये बेटा आप लोग साथ साथ क्योंकि ये मेरे सामने क्वेश्चन है मैं इसके लिए यहीं पे कर रहा हूं, ए आर माइनस यू आर, ये बेटा कितना आ जाएगा 1,10,000 ये आ जाएगा।
और बेटा चलिए हम बात करते हैं फेयर रेंट बेटा कितना दिया। अगर हम फेयर रेंट की बात करें तो फेयर रेंट दिया 1,00,000 रुपया। हमने बेटा इन दोनों का कंपेयर किया, बेटा सबके आंसर गलत हैं, सबके आंसर गलत हैं, सारिका का गलत, शुभी का गलत, आयुषी ने कितना दिया, दिव्यानी का गलत है बेटा, आपकी सच में से यश टंडन का गलत है, मानव सिंह का गलत है, सबके गलत आंसर बेटा। ये देखिए 1,00,000 में से 1,10,000 बेटा माइनस कर दिया, तो हमारा बेटा जीएवी कितना, इन दोनों में से जो हायर होगा जीएवी आ जाएगा 1,10,000 बेटा हमारा जीएवी आ जाएगा। मानव का 1,06,000, सबके गलत है बेटा। इधर देखते हैं अब बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं जो समझा रहा हूं सुनेंगे। हमने बेटा लेस किया म्युनिसिपल टैक्स, बेटा म्युनिसिपल टैक्स की दो कंडीशंस, पहली कंडीशन है पेड बाय ओनर। अच्छा ओनर ने कितना दिया, अगर पूरा ध्यान क्वेश्चंस पे देखेंगे, ये बेटा क्वेश्चन सामने रखा हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे पेड बाय ओनर, तो म्युनिसिपल टैक्स क्लियर कट लिखा हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये बेटा प्रीवियस ईयर में हमने दिया है, और कितना बेटा ये पेड भी किया है। ये बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि मतलब इसका लगे ये ओनर ने ही दिया है, ओनर ने प्रीवियस ईयर में दिया है, 1,005,000 ओनर ने दिया है, 1,04,000 दिया है और 1,02,000 दिया। ये कब दिया है, ये प्रीवियस ईयर में। मेरी बात को समझने की एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ओनर ने प्रीवियस ईयर में पेड किया है, लेकिन बेटा क्वेश्चंस में बेटा जो रूल बोल रहा है, रूल ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है कि ये पिछले साल वाला ही होना चाहिए, उसके पिछले साल का हम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लिखा क्वेश्चंस में। रूल में देखिए क्या लिखा, पेड बाई ओनर पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में पेड होना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 18-19 का, माने 19-20 से रिलेटेड होना चाहिए या 18-19 से रिलेटेड होना चाहिए या भी, हाँ प्रीवियस ईयर में पेड होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में हमने ये भी पेड किया, प्रीवियस ईयर में हमने ये भी पेड किया और प्रीवियस ईयर में हमने ये भी पेड किया, हमने टोटल कितना पेड किया, हमने 5,49,211,000 का प्रीवियस ईयर में पेड किया। किस ईयर से रिलेटेड है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियस ईयर में कितना दिया, हमने कहा प्रीवियस ईयर में 11,000 रुपया दिया है। इसको बेटा मैं दूसरी तरीके से एक बार समझाऊंगा, सुनेंगे। बहुत अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे भी। बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास बेटा एक स्टूडेंट थी जिसका कि नाम था बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, उसका नाम था सुमन। पिछले साल थर्ड ईयर में थी, शायद आप जानते होंगे सुमन करके एक बेटा एक स्टूडेंट थी। तो सुमन की स्टूडेंट की बेटा जो फीस थी, जो बेटा पिछले साल जो चला गया, पिछले साल इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो 19-20 का पढ़ रहे हैं, और 18-19 की सुमन ने पढ़ा। सुमन ने बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे, 18-19 की फीस थी 10,000 रुपया, और 19-20 में भी सुमन ने सीए के लिए पढ़ाई किया। हमने कहा बेटा 19-20 में, तो ये जो करंट ईयर चल रहा है 19-20 में सुमन की फीस थी, जो इस समय सीए कर रही है, 15,000 रुपया फीस थी। ये दो फीस थी, 18-19 की फीस थी 10,000 और 19-20 की थी फीस 15,000। ये बेटा बीकॉम थर्ड ईयर में थी, यहाँ पे ये बीकॉम थर्ड ईयर में थी, अब ये सीए इंटर में आ गई है, लेकिन किसी वजह से सुमन को फीस की प्रॉब्लम थी। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है बेटा, पिछली बार उसके पास फीस थोड़ी कम थी,
उसने कहा सर एक काम करिए 6,000 रुपए की फीस हमसे ले लीजिए, 4,000 की फीस हम आपको अगले साल दे देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। जबकि मेरे को मालूम था कि ये इस साल थर्ड ईयर पास कर जाएंगी, अगले साल लाएंगी कहाँ, लेकिन मैंने कहा फिर भी कोई बात नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो। मैं अक्सर सभी बच्चों से यही कहता हूँ फीस को तो मारो गोली, फीस तो बेटा इसके लिए जरूरी है क्योंकि बेटा सिविल लाइन्स का किराया देना है, बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो फीस तो बेटा उसकी जो, हमने कहा फीस को मारो गोली, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ाई करो। बोली नहीं सर आप मेरा विश्वास करें 4,000 रुपये हम अगले साल दे देंगे। बेटा इस साल वो सीए कर रही है 19-20 में। तो बेटा सुमन ने हमको फीस दी, मेरे को सुमन ने क्या बोला सर 19-20 की सीए की फीस है आपकी 15,000 रुपया, ये फीस तो आप ले लीजिए और 4,000 रुपया 18-19 का भी था। उसने कहा सर 4,000 रुपया पुराना भी बाकी था आपका। तो सुमन ने हमको टोटल कितना पेमेंट किया, सुमन ने हमको पेमेंट किया 19,000 रुपया। तो हम क्या कहेंगे हमको बेटा कितना पैसा रिसीव हुआ 19-20 में, 19,000 रुपया हमको रिसीव हुआ। यही चीज बेटा म्युनिसिपल टैक्स में है। म्युनिसिपल टैक्स जब बेटा 18-19 का आया, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, अब हम बेटा म्युनिसिपल टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स आया 18-19 का, बेटा 18-19 का म्युनिसिपल टैक्स कितना था, 5,000 रुपया था। हम म्युनिसिपल टैक्स किसी वजह से नहीं दे पाए, ये हमने नहीं पेड किया। 18-19 में देना चाहिए था, हमने नहीं दिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। 19-20 आ गया, ये 4,000 रुपया था, ये बेटा ड्यू था, ये पैसा ड्यू था, ये पिछले साल का था, ये पिछले साल का था। और हमने म्युनिसिपल टैक्स वाले को कहा, कई बार देखिए मोबाइल का एक्सेस पेमेंट कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स का हमने 2021 का जो कि अगले साल आने वाला है इसका भी बेटा हमने एडवांस पेमेंट कर दिया। 2021 का हमने बेटा कितना एडवांस पेमेंट कर दिया, 2,000 रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया, ये बेटा एडवांस पेमेंट कर दिया। हमने म्युनिसिपल टैक्स को कितना पेमेंट किया, 5 ये पेमेंट किया, 4 प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया, 2,000 एडवांस में दे दिया। हमने पेमेंट लेकिन कब किया, पेमेंट हमने किया 19-20 में, प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया। प्रीवियस ईयर में पेमेंट कितना किया, 5,4,9,2,11, ये 11,000 का पेमेंट किया। तो हम क्या कहेंगे म्युनिसिपल टैक्स को 19-20 में 11,000 का पेमेंट किया, और किसने पेड किया, पेड बाय ओनर, ये ओनर ने पेड किया। तो रूल क्या है, पेड बाय ओनर और पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में हमने कितना दिया, 19-20 में 11,000 दिया, और पेड ओनर ने कितना दिया, 11,000 दिया। तो दिस इज द डिडक्टेबल, यही डिडक्टेबल होगा। तो बेटा यहां पर हम फिर से आते हैं, तो यहां म्युनिसिपल टैक्स कितना डिडक्टेबल होगा, म्युनिसिपल टैक्स बेटा जितना भी पेड किया प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, मैंने रिलेटेड वर्ड नहीं लिखा, पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में। तो हमने बेटा प्रीवियस ईयर में कितना पेड किया, हमने प्रीवियस ईयर में पेड किया है 11,000। तो हमारा एन ए वी कितना आ जाएगा, 1/10 में से 11,000 चला जाएगा। दिस इज माई आंसर, यही आंसर। जल्दी से बेटा जिसको नहीं क्लियर है वो जल्दी से बेटा मैसेज भेजे, अगर सबको क्लियर है जल्दी से यस यस करके लिखें, जल्दी 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 लिखें, जिसको नहीं क्लियर है वो लिखें, जिसको क्लियर है वो भी लिखें, जल्दी लिखें। स्वाति को क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, किसको क्लियर नहीं है,
क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये बेटा सौरव ने क्या लिखा सर? वो 99,000 ही आंसर दिया। अच्छा सौरव ने क्या बोला है कि मैंने 99,000 ही आंसर दिया। देख लीजिए कितने इंटेलिजेंट लोग हैं अभी भी। चलिए बेटा चलिए सबका ठीक है क्लियर है बेटा। चलिए सबका क्लियर है। जल्दी से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। अब जल्दी से आखिरी क्वेश्चन आज का करके हमें दिखाएंगे। जल्दी से बेटा हमें आज का आखिरी क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट एनएवी। क्वेश्चंस में दिया है बेटा एक्चुअल रेंट दिया है बेटा 20,000 पर मंथ ये दिया है। नीचे बेटा एक और दिया है म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। बेटा हम अगर कुछ लिखे ना लिखे लेकिन हम बेटा इसका मतलब ये है हम जो भी पढ़ रहे हैं वो 19-20 के लिए ही पढ़ रहे हैं। माने इसका मतलब है म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बेटा ये बोल रहा है 18-19 का बेटा हमने 3,000 रुपये बाकी था पुराना बाकी था ये हमने 19-20 में आके पेमेंट कर दिया। 19-20 में भी बेटा हमारा 4,000 रुपया बाकी था लेकिन यहां कुछ लिख रहा है बेटा ये क्या लिख रहा है 25% पेड बाय टेनेंट। बीस इक्कीस का भी हमने बेटा 1,000 रुपया ये बेटा पेड कर दिया ये पेड है ये भी पेड है ये भी पेड है बेटा। चलिए बेटा कैलकुलेट ये भी जल्दी से बेटा मेरे को निकाल के दिखाएं। जल्दी से सब लोग निकाल के दिखाएं बेटा। काला वो जो मार्कर है या स्केच पेन है वो नहीं चल रहा है ये बेटा ये राइटिंग इससे भी मेरे को ठीक ही दिख रही है। कितना आ रहा आंसर स्वाति का 23,500 किसका सौरव को शिवानी का 23,500 आयुषी का 23,500 सारिका का भी 23,000 नहीं 235,000 है 23,500 नहीं है 235,000 है सबका आंसर 235 है। और आंसर बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन से बेटा सारिका का 235,000 शुभी बेटा आपका कितना आंसर यश आपका कितना आंसर कार्तिक मानव दिवेश काव्या का 230,000 काव्या का बेटा अलग आंसर आ रहा है मैं इधर काव्या का आंसर 230,000 लिख देता हूँ। यश टंडन का 235,000 शुभी का भी 235,000 यश केसरवानी का कितना है दिव्यानी का भी 235,000 मनाली का कितना है बेटा ये अगर नहीं समझे तो बाद में बेटा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मनाली का 233,000 है मैं मनाली का भी लिख देता हूँ 233,000 मनाली का भी है। काव्या का 233 काव्या बेटा आपने आंसर चेंज कर दिया अभी बेटा 230 दिया था आपने
अच्छा चलिए ठीक है। काव्या मनाली 2:33, आयुषी का कितना आया? आयुषी का आंसर 2:35 है क्या? आयुषी का आयुषी कितना आंसर है आपका? आयुषी दो लाख 35,000। अच्छा आयुषी का भी 2:35 है। चलिए बेटा अब हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा इसमें खाली एआर दिया है और तो कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब क्लियर कट हो गया। बेटा जीएवी तो हमारा क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जीएवी बेटा 2,35,000 तो जीएवी है। नहीं नहीं सॉरी 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 गलत बेटा जीएवी, ये जीएवी है। ये बेटा जीएवी कितना आएगा? मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन भी हमारे सामने है। एक्चुअल रेंट 20,000 रुपया पर मंथ है, तो बेटा 12 महीने का कितना आ गया? 2,40,000 ये आ गया। 20,000 × 12 लेस म्यूनिसिपल टैक्स। अपने आप से पूछे पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हमने बेटा 1 तो 3,000 ये दिया है, रिलेटेड 18-19 का था, लेकिन पेड तो हमने 19-20 में ही किया है। तो बेटा एक तो हमने 3,000 दिया ही दिया है, प्लस ये 4,000 आ गया। 4,000 में 25% पेड बाय टेनेंट, इसका मतलब कि ओनर ने कितना दिया होगा? 75%। 4,000 में से 25% तो टेनेंट ने दे दिया, इसका मतलब कि ओनर ने 75% ही दिया होगा। इसका मतलब कि ओनर ने कितना दिया होगा? 3,000 ही ओनर ने दिया होगा, और एक एडवांस भी जमा कर दिया। भाई ये एडवांस ले लो, अगले साल हमको कुछ बोलना नहीं। कई लोग बेटा पूछने से बहुत डरते हैं, 1,000 रुपया ये भी दे दिया। टोटल बेटा हमने म्यूनिसिपल टैक्स कितना दे दिया? 3 और 3, 6 और 1, 7, ये बेटा 7,000 रुपये का हमने टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट कर दिया। सारे क्या का भी 2:33 से देख लीजिए। तो बेटा हमारा एवी कितना आ गया? एवी आ गया 2,33,000 का हमारा आंसर आ गया। दिस इज माई आंसर। अब जिसका जिसका बेटा डाउट आ रहा है, जल्दी से बेटा अनम्यूट करके मेरे से पूछना चालू करें। जिसको बेटा नहीं क्लियर है वो पूछना शुरू करें। इस 4,000 में देखेंगे खाली हमने बेटा 75% का पेमेंट किया है, 25% तो किराएदार ने दिया है, और रूल क्या बोल रहा है? पेड बाय ओनर। ओनर ने 75% दिया, मैंने 3,000 दिया है, और 1,000 ये पेड किया है। टोटल बेटा 3, 3 और 1। जिसको नहीं क्लियर है जल्दी से बेटा मेरे से अनम्यूट करके पूछे। जिसको नहीं क्लियर है, क्लियर है बेटा जल्दी से लिख दें। क्लियर है? क्लियर है? सब लोग बेटा चैट पे लिखें क्लियर है। आज का आखिरी है। ओके सर, मनाली क्लियर है? क्लियर है स्वाति, शिवानी क्लियर है, सारिका क्लियर है? सारिका ने तो पहले ही सही आंसर दिया था, काव्या ने भी सही दिया था। मानव क्लियर है? आयुषी बेटा आपका, दिव्यानी का भी क्लियर है, और यश का क्लियर है। चलिए बेटा जिनको नहीं क्लियर है वो बेटा फिर से लेक्चर को सुनेंगे। मैं आज की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, क्योंकि एक दो लोग बेटा चले गए थे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। कल बेटा हम अपने क्लास के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और दूसरी फिर से बेटा जो आज का मैंने लिंक भेजा है उसको सब लोग बेटा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हमसे ज्यादा तो आप भी जानते हैं कि बेटा क्या क्या करना है। कमेंट भी पास करेंगे जल्दी से बेटा, और
आज का लेक्चर यहीं तक है, और जितना मैंने पढ़ाया है बार 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 उसका बेटा रिवीजन करेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के हमको नहीं आएगा। आज का लेक्चर बेटा यहीं तक, और बेटा लिंक करने के लिए मैंने बोल दिया है, हाँ इसको बेटा रिव्यू भी करना है आपको, और रिव्यू करने के बाद बेटा देखते हैं। और आज का लेक्चर बेटा यहीं तक, मैंने कल ही सब्सक्राइब कर दिया है सर चैनल, बेटा ये कल का नहीं है, ये लिंक आज का है। अच्छा ये कल भेजा था, मेरे को खुद नहीं पता है, अगर कर दिया तो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज किया है तो बेटा, नहीं किया तो आज देख लें, आज का लिंक मैंने बेटा भेजा हुआ है। और चलिए ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक, हैव ए नाइस डे बेटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच बेटा।